ये गोरिल्ला मानो दूसरों की सफों में घुस चुके हैं। एक बात है कि आप देखना है कि आखिरी ओवर महाराष्ट्र ये एनबी वॉरियर की तरफ से कौन करता है, बिल्कुल किसके हाथ में गेंद होगी वो देखना बहुत जरूरी है। मैं तो इस वक्त स्क्रीन में देख रहा रोहन खरात को, जिन्होंने पिछले 4-5 सालों में सबको प्रभावित किया है, और आईटीसी अवार्ड की बात करें तो इनका भी बोलबाला रहा है। और भोपू बजना शुरू हो गया है, तालियां सीटियां बजाना दर्शकों ने शुरू कर दिया है, क्योंकि इस वक्त पुण्य नगरी के खिलाड़ी बीच मैदान पर रोहन खरात को आप देखेंगे, यंग गेंदबाज आए हैं। और आपके स्क्रीन पर कौन है, लेजेंडरी कमेंटेटर सिद्दीक सर हमारे साथ जुड़े हो, ये दर्शक दीर्घा में दर्शक देखिए, पैक क्राउड आप देख रहे हैं इस स्टैंड में, बोंगो बाजा के साथ आप लग रहा है इंडिया कप जूम पकड़ता हुआ। एक बात है कि आपने कल मेरे ख्याल से इमर्जिंग बेस्ट बॉलर का अवार्ड इनको मिला है, और देखिए बहुत बड़ी बात है, कृष्णा सातपुते का दिमाग देखिए, उन्होंने अपने यंग जो गेंदबाज है उनको डे तोड़ में लाया है और साथ में एक खिलाड़ी को स्ली पॉइंट पे लगा दिया है, और एक स्टेट के लिए खेलने का मौका पहली बार रोहन खरात को मिल रहा है। मतलब बहुत सारे अलग अलग टूर्नामेंट इन्होंने खेल दिए। हवा में गेंद थी, मिस चांस स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, क्या ये कैच हो जाएगा, रोहन खरात बिल्कुल, ये तालियां भी बजने वाली हैं, पहली गेंद पर पहली सफलता, धोनी बैक टू द पवेलियन चले गए हैं, और ये सिद्दीक सर बहुत बड़ी सफलता, व्हाट अ ग्रेट बॉल। बैट्समैन के लिए बाहर निकल रही थी, अगेंस्ट दी टर्न खेला, सिर आसमान में, गेंद आसमान में, और जश्न देखिए, बढ़िया कॉटन बॉल। देखिए कभी भी फ्लड लाइट की रोशनी में स्क्वायर कैचेस कभी आसान नहीं रहे, वन ऑफ द ग्रेट कैच फ्रॉम यंग मैन। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार भी जब गेंदबाजी करते हैं तो आपका बॉडी का मूवमेंट आगे जाता है, आपको पीछे जाके कैच लेना है, फ्लड लाइट की तो बात है, पीछे जाके कैच लेना सिद्दीक सर और कठिन होता है, लेकिन ये यंग खिलाड़ी जो है ना, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, एक बार फिर वो रॉन्ग बोन सारी गेंदे करता है, एक वेरिएशन बहुत अच्छा है इनका। अब दबाव बेंगल के ऊपर, आपने कहा कि पहले 2 गेंदों पर विकेट, दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर, बेंगल के ऊपर जाएगा, तो महाराष्ट्र ने इस मैच में बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट किया है। ये दर्शक देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट देख रहे हैं। पीछे जाके कैच तो 25 जून 1983 को कपिल देव ने पकड़ा था। अब अगेन खबर पर खिलाड़ी बॉडी ने पर बहुत दूर है, टाइमिंग इतना अच्छा नहीं है, कम से कम 2 रन लेने का मौका मिलेगा, लेकिन सुमन शाह कहा है, सुमन शाह नॉन स्ट्राइकर इन पर, पहली 2 गेंदों पर 1 विकेट है, 2 रन है, समीकरण की बात करें तो आपके पास 4 गेंदे शेष है और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है, 17 रनों की जरूरत है, तो इसका मतलब है 17 तो खतरा भी है, और किसके लिए ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए कलाइयों से लेग ब्रेक गेंदबाज जो रहता है उनकी गेंदे काफी टर्न होती है, यंग गेंदबाज है और कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। ओ का कमाल की गेंदबाजी, जोरदार अपील रोहन खरात के लिए, वो तालियां बजने वाली, ये देखिए तालियों की आवाज आ रही है, ये तालियां बजाते हुए दर्शक, आइए आइए रिप्ले में हम देख रहे हैं कि किस तरह की गेंद थी, क्या बॉलिंग कर रहे हैं, ये देखिए, फिर गेंद को मेरे ख्याल से अंदर डाल, और ये बिल्कुल चेहरे के एक्सप्रेशन दिखाए जा रहे हैं, हालांकि हल्की सी अपील भी जरूर हुई थी वहां, बाहरी किनार लगा, पीछे खिलाड़ी है, खतरा हो सकता है, सुमन शाह पिछले 4 गेंदों में भाई आप नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ रहे, क्या वो टर्निंग पॉइंट था महाराष्ट्र के लिए, बंगाल के लिए बिल्कुल, क्या वो एक बार फिर वहां बैकफुट पर चले गए, क्योंकि इन्होंने सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की। अब आपके पास केवल 2 गेंदें बची हुई है, 2 गेंदों में यहां से आपको बनाने हैं 16 रन, और 4 गेंदों में इनको मौका नहीं मिला, कुछ नहीं किया जा सकता इस गेंदबाजी में, कमाल की लेग ब्रेक, तेज गेंदबाजी कर रहे हैं रोहन। महाराष्ट्र ने शिकंजा कस लिया है, और फिलहाल अगर देखे तो टोटल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बेहतरीन कप्तानी, अच्छी गेंदबाजी, अब जाकर 2 गेंदे शेष है, जीतने के लिए बस 16 रनों की जरूरत। अच्छा स्टोक है, कड़क स्टोक है, गेंद बाउंड्री की तरफ बिल्कुल जाएगी, सुमन जब आते हैं तो स्कोर पर बिल्कुल चलाते हैं, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है, वो सबसे बड़ी परेशानी, एक गेंद और जीतने के लिए आपको 10 चाहिए, या अच्छा स्ट्रोक था सुमन शाह द्वारा। देखिए सुमन शाह ने कोशिश अभी भी नहीं छोड़ी, लेकिन बड़ी देर के मेहरबान आते आते उनको स्ट्राइक लेट मिला है, स्लॉप किया था अगेंस्ट द टर्न गेंद 6 रन के लिए,
इसे कह की टपकाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, अंपायर पूछ रहे भाई आपने क्यों छोड़ा, ये बेअबिंदी गेंद है। और इसी के साथ ये मुकाबला एनबी वॉरियर्स महाराष्ट्र ए ने अपने नाम पर कर दिया है। कांग्रेचुलेशन एनबी वॉरियर्स, वेल डन। ये दर्शक दीर्घा में दर्शक देखे अपने टीम के लिए समर्थन कर रहे हैं। आज बंगाल ब्रदर्स की बात कर सिद्दीक सर, तारीख करने की सुमन की अकेले के तौर पर लड़ते रहे, साथ अगर अच्छा मिलता तो बात बिल्कुल जरूर बनती, बहुत ही बेहतरीन और शानदार बल्लेबाजी रही सुमन की, लेकिन अपनी टीम के लिए जीत नहीं दिला पाया। अगर सरकार अडलक, हालांकि लीग मैचेस है, एक मैच से जरूर हौसला बनता भी है, हौसला टूटता भी है। प्रेजेंटेशन, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम बढ़ रहे हैं और वहां पर मौजूद हैं